ये एग्जिट नंबर 2 है और यहीं से गली शुरू हो जाती है। चारों तरफ खाने के फूड स्टॉल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। आप नाम क्या उनका? दसाई साहू का दुकान किधर है सर? 9:30 उनका नाश्ता खत्म हो जाएगा तो हम लोग उससे पहले वहाँ पर पहुँचना है। भैया दसाई साहू कहाँ पे है? काफी ढूंढने के बाद आखिरकार हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जब से हम भी होश संभाले तब से हम भी तो नहीं खाए। 10 पैसे से कचौड़ी जिलेबी हम लोग खाते आ रहे। दुकान कितना पुराना? 1935 के। आप कब से यहाँ पे आ रहे? 40 साल से। 40 साल से। आप कितना दिन से आ रहे? हम तो 23 साल से आ रहे। 23 साल से आ रहे, मतलब आप कब से खा रहे? जब से पैदा हुए न्यू मार्केट में। तो गरम गरम कचौड़ियाँ पहले हमारे सामने आ चुकी है, काफी क्रंची है। सबसे पहले हम लोग सुबह सुबह पपीता खाएंगे। देखिए पटना जंक्शन आते ही आपको ये सारी चीजें मिल जाती है। भैया पपीता खिलाइएगा। चाचा कैसे दे रहे हैं? मतलब देखिए मुस्कुराहट से पपीता पहले ही मीठा हो गया। 10 का प्लेट है। जरा खूबसूरत से स्माइल आपकी मॉर्निंग अच्छी हो जाती है। भैया मीठा है? चलिए ठीक है। आंध्रा का पपीता है भाई। यहाँ से गौतम पूछे कहाँ का पपीता है तो बता रहे आंध्रा का पपीता। आंध्रा का पपीता लाल कम होता है लेकिन मीठा होता है, क्योंकि हम लोग के गांव में भी होता है पपीता। वो सब का ना साइज बहुत छोटा रहता है लेकिन उसका टेस्ट होता है भाई। साइज तो मत जाइए, टेस्ट पर जाइए। अभी आंध्रा का पपीता खाएंगे और यहाँ से निकलेंगे नाश्ता करने। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं पटना जंक्शन पर। अनाउंसमेंट आप साफ तौर पर सुन सकते हैं और यहाँ पर आने के बाद आपको अलग अलग चेहरे देखने को मिल जाते हैं। कुछ लोग वो होते हैं जो अपना शहर छोड़ करके दूसरे शहर जा रहे होते हैं, कुछ लोग वो होते हैं जो दूसरे शहर से अपने शहर में आ रहे होते हैं। लेकिन हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं ये जो महावीर मंदिर है ना, इसके पीछे। काफ़ी मज़ा आता है वहाँ पर खाना खाने से। तो अभी पटना जंक्शन के छुपी हुई सकरी गलियों से होते हुए हम लोग वहाँ पर पहुँचेंगे और वहाँ पर पहुँचने के बाद आपको वो हिडन जेम दिखाने की कोशिश करेंगे। सो ये एग्जिट नंबर 2 है और यहीं से गली शुरू हो जाती है। अंदर जाने के लिए आप आगे से भी आ सकते हैं, यानी कि उस साइड से महावीर मंदिर के बगल बगल से। लेकिन यहाँ पर भी आप आएंगे तो यहाँ पर एक बहुत ही अलग सही फील, आपको अलग सही वाइब देखने को मिलेगा। चारों तरफ खाने के शॉप्स हैं और फूड स्टॉल्स आपको देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर। मैं इस गली में घुसा तो मुझे सबसे पहले जिस चीज़ की खुशबू आई वो गरम गरम अनरसे की। ये अभी ताज़ा एकदम बना हुआ नहीं? और अनरसा का क्या रेट होता है? अच्छा खोआ का 240 मिल जाता है। अच्छा यहाँ पे एक दुकान है जहाँ पे पूरी सब्जी मिलता है। आगे कितना दूर है? अच्छा अच्छा वो जो बैग बैग वाली गली है उसी में है क्या? एकदम सीधा। हाँ। नाम क्या उनका? दसाई साहू। यहाँ से हम लोग आए तो यहाँ पर हमें पता चला कि आगे ये सीधा गली जो जाता है मस्जिद की तरफ, बैग वैग वाली दुकान है, उसके सामने दसाई साहू का कोई शॉप है। यहाँ पे नाश्ता बहुत फेमस मिलता है तो हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, तो इसलिए सोचा कि हम लोग पूछ लेते हैं पहले। दसाई साहू का दुकान किधर है सर? आगे है। अच्छा वहाँ पे नाश्ता ठीक मिलता है? चलिए ठीक है। जो शॉप है उसके बारे में कहा जा रहा है कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 से 1.5 घंटे का ही मार्केटिंग है। सुबह 8 बजे से खुलता है और 9:30 के आसपास वो शॉप बंद हो जाती है, क्योंकि उतना ही देर में उनका पूरा का पूरा जो नाश्ता है वो ख़त्म हो जाता है। 9:30 उनका नाश्ता ख़त्म हो जाएगा। अभी घड़ी में बज रहे हैं 9:05 बाकी है तो हम लोग उससे पहले वहाँ पर पहुँचना है। भैया दसाई साहू कहाँ पे है? काफ़ी ढूंढने के बाद आखिरकार हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं दसाई साहू के जो नाश्ते की शॉप है वहाँ पर। लेकिन इनका नाम बदला हुआ लग रहा था इसलिए मैंने पूछ लिया। भैया नाम क्यों बदला हुआ, आप क्यों बता रहे थे? रजिस्ट्रेशन जो होता है ना, हाँ, बढ़ने के बाद खत्म हो जाता है। अच्छा उनका देहांत हो गया? नहीं है। हाँ 44-45 साल उनका होगा देहांत का। अच्छा अच्छा उनके लड़के का नाम से रेस्टोरेंट। हाँ चलिए ठीक है। हम आपके नाश्ते की दुकान के बारे में बहुत सुने थे। अच्छा और सुने थे कि सुबह 8 बजे बंद खुलता है और 9:30 बजे के आसपास ख़त्म हो जाता है, तो ऐसा क्या खिलाते हैं आप? सब्जी बनता है। हाँ। और
जूता है, जूता इसमें है। चलिए ठीक है ठीक है। यहाँ पर पूरी भीड़ लोग हैं। दसाई साहू इतना फेमस क्यों है? जब से हम भी होश संभाले तब से हम भी तो यही खा रहे हैं। अच्छा, जब से होश संभाले तब से यही खा रहे? 10 पैसे से कचौड़ी जिलेबी हम लोग खाते आ रहे हैं। दुकान कितना पुराना? ये 1935 का। मतलब 1935, आप समझ रहे हैं, आपको आज़ादी से पहले की ये शॉप है। और अभी भी यहाँ पर देखिए तो यहाँ की जो ले आउटिंग है वो भी आपको पुराने ज़माने की ही देखने को मिलेगी। कुर्सियाँ वही पुरानी है और अंदर जो बना हुआ है ना ये भी काफ़ी पुराना सा ही लग रहा है। शाम को चलता है चना मिक्सचर, सिंघाड़ा, लिट्टी। हाँ। 4 बजे चलेगा, 6:30 में समाप्त। सिर्फ 2 घंटा? हाँ। और यहाँ सुबह में सिर्फ 1.5 घंटा? 1.5 घंटे में पूरा नाश्ता खत्म? हाँ। तो अगर आप भी यहाँ पे दसाई साहू के शॉप पर आए होंगे और आकर के यहाँ पे नाश्ता किया होगा तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, क्योंकि इनके बारे में सुना बहुत था और बहुत देर से ढूंढने के बाद यहाँ पर हम लोग पहुँचे हुए हैं। अच्छा, वही फोटो दसाई साहू। रजिस्ट्रेशन की वजह से अभी नाम बदल गया, लेकिन आप देख सकते हैं वहाँ पर फोटो उनकी लगी हुई है। जब भी आप आएंगे ना तो आपको बहुत ही पुरानी पुरानी यादें ताज़ा हो जानी है। तो अभी यहाँ पे हम लोग भी नाश्ता करेंगे, टेस्ट करेंगे और देखेंगे कैसा। सर, आप कब से यहाँ पे आ रहे हैं? 40 साल से। 40 साल से? मतलब कोई कह रहा है कि 50 साल से आ रहा है, कोई कह रहा है 40 साल। खाते थे यहाँ चना का घुगनी। हाँ। और दालमोठ इस दुकान में खाते थे, है ना, इसी में था। आप कितना दिन से आ रहे? हम तो 23 साल से आ रहे हैं। 23 साल से आ रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि जब से होश संभाल रहे हैं यहीं पर नाश्ता करने के लिए पहुंच रहे हैं। पिताजी के साथ हम आते थे। अच्छा, वही लाते थे पिताजी के साथ? हाँ हाँ, उसके बाद फिर अपने भी आते थे, बच्चे लोग हैं। चलिए देखिए, जनरेशन बदल गया है, पहले पिताजी के साथ आते थे और आज अपने बच्चों के साथ आ रहे हैं। हाँ जी, फिर भी शॉप वही है। चलिए ठीक है, तो अभी हम लोग भी नाश्ता करते हैं, टेस्ट करके देखते हैं कैसा है यहाँ का टेस्ट। यहाँ का जो पंखा है ना वो भी आप देख सकते हैं, हमको लग रहा है कि 50-60 साल पुराना पंखा लगा हुआ है। यहाँ जो भी चीज बनता है लहसुन प्याज के बगैर बनता है। मतलब लहसुन प्याज थोड़ा सा भी नहीं होता? नहीं, होता ही नहीं। होता ही नहीं। अच्छा, तो जो लोग अगर व्रत में है या फिर अच्छा 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 बिल्कुल एकदम बिना लहसुन प्याज के यहाँ पे नाश्ता बनता है। और एक बार रेट अगर बात कर लें हम लोग कि क्या है रेट यहाँ का। कचौड़ी 7 रुपये, जिलेबी 7 रुपये, सेव दाल 12 रुपये प्लेट है, चना है 12 रुपये प्लेट, समोसा 12 रुपये, कचौड़ी 12 रुपये, और ये क्या है वेजिटेबल चॉप है ये भी 12 रुपये। अच्छा, अगर किलो के हिसाब से लेते हैं तो 160, 160, 240। मैं रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ। ओके। और दसाई साहू दुकान बहुत ही फेमस है, ये एक ही घंटा सुबह में जिलेबी इनका बिकता है, लेकिन ये बहुत शुद्ध चीज देते हैं। तो मतलब कि ये चीज सही थी ना जो लोग कह रहे थे 1 घंटे का ही मार्केटिंग? हाँ, एक ही घंटे का, एक घंटे में सब खत्म। आप कब से खा रहे हैं? जब से पैदा हुए न्यू मार्केट में पैदा हुए। मतलब जो भी मिल रहा है ना वो अपने होश संभालने से बता रहा है। दादा चले गए, बाप चले गए, हम लोग की बात। थर्ड जनरेशन। तो गरम गरम कचौड़ियाँ पहले हमारे सामने आ चुकी है, सब्जी अभी चम्मच दे दीजिए थोड़ा। 1935 से ये पुरानी दुकान जो है वो चल रही है अब तक और बहुत ही अच्छे से चल रही है। तो आज हम लोग का चांस है कि यहाँ पर हम लोग खाते हैं और यहाँ पर टेस्ट करते हैं। बहुत लोगों ने टेस्ट किया होगा, बहुत लोगों के लिए शॉप नई नहीं होगी, बहुत लोगों के लिए नया जगह नहीं होगा, लेकिन हमारे लिए तो है। तो हम सोच रहे थे क्यों ना इस चीज़ को दिखाया जाए। दसाई साहू, आप आएंगे तो न्यू मार्केट में जैसे ही अंदर आते चले जाएंगे वैसे ही आपको ये वाली शॉप मिल जाती है। यहाँ पर कचौड़ियाँ हैं और यहाँ पर ये सब्जी है, सब्जी में आप देख सकते हैं चना और आलू की सब्जी है, और इसका टेस्ट कैसा है वो देख करके हम लोग बताएंगे। वैसे तो नॉर्मल पूरी जैसे ही लग रहा है, बस एक चीज़ है कि इसमें लहसुन प्याज नहीं होता। तो एक अलग सा ही वाइब है यार, यहाँ पर नाश्ता है और ये टूटी हुई दीवार जिससे पुराना प्लास्टर चढ़ा हुआ है ये भी आपको दिख रहा होगा। तो एकदम ये जो पिलर है ना ये भी काफ़ी पुराना ही यहाँ पे लग रहा है, और सब कुछ यहाँ पे पुराना पुराना ही है। मतलब ये बता रहा है कि ये बहुत पुराना है। अब इसको टेस्ट कर लेते हैं, पहले थोड़ा पानी पी लेते हैं। बहुत ही ऑथेंटिक से टेस्ट है, जैसे पूरी सब्जी का होता है। पूरी जो है ना ये आपको थोड़ा हैवी मिलेगा, मतलब कि 4 पूड़ी मेरे हिसाब से लग रहा है कि पेट भर देगा आपका। काफ़ी क्रंची है। जिलेबी का साइज़ देखो आप, ये सब खा लेते हैं, निपटाते हैं, फिर मिलते हैं। फाइनली अभी हम लोग का नाश्ता वास्ता हो चुका है और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। वैसे अगर लोकेशन एक बार फिर से आपको बता दूँ तो ये जो न्यू मार्केट में मस्जिद है उसके जस्ट पास में, उसके जस्ट पीछे ये है दसाई साहू का। और यहाँ पर मार्केट में आप किसी से भी पूछ लेंगे ये दसाई साहू की दुकान कहाँ पर है तो वो आपको बता देगा। किसी से भी पूछ लेंगे, भैया दसाई साहू का दुकान कहाँ पर है? ये सामने देखिए, इस तरह से यहाँ पर आ करके आप किसी से भी पूछ लीजिए ना तो आपको एड्रेस एकदम कन्फर्म हो जाता है।
तो आप जब भी आइए यहाँ पर एक बार टेस्ट करिए, देखिएगा। इस ब्लॉग को यहीं पर करते हैं एंड। आपका भाई साहब मिलेगा नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।